तो स्टार्ट करते हैं क्लास। कंटूरिंग चल रहा था हमारा। कंटूर में जो अभी तक हमने पता किया था कि किसी भी ग्राउंड की टोपोग्राफी को अगर हम किसी मैप पे शो करना है तो हमें कंटूर लाइंस की हेल्प चाहिए होती है। कंटूर लाइन की डेफिनेशन ये थी कि सेम एलिवेशन पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो वो लाइन कंटूर लाइन बन जाएगी। उसमें फिर दो आपके टर्म्स आए थे, एक कंटूर इंटरवल, एक हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। इंटरवल होता है आपका कि उनके दो पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस, और हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपका होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस। उसके बाद टॉपिक था आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूरिंग लाइंस। ठीक है, तो वो कंटूर लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से थी कि कहाँ पे हमारी जब कंटूरिंग लाइन अगर आपकी यूनिफॉर्म हो तो वो क्या इंडिकेट करती है, वैल्यू अंदर की ओर जा रही हो तो क्या इंडिकेट करती है, बाहर की ओर जा रही हो तो क्या इंडिकेट करती है, रिज और वैली की कंट्रोल लाइन कैसे होती है, ओवरहैंगिंग क्लिप की कंट्रोल लाइन कैसी होती है। कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादातर पूछा जाता है जिसमें डायग्राम की हेल्प से आपको बताना होता है। इसको आपको स्टार कर लेना है, ठीक है, थ्योरी है, कुछ भी नहीं है, याद कर लेना डायग्राम भी इसके। उसके बाद आता है मेथड ऑफ कंटूरिंग। मैप जो कंटूर मैप जो बनाना है वो तो बनाना आपको ये सर्वेयर को बनाना है, ठीक है। तो अब सर्वे को एक ग्राउंड की टोपोग्राफी कंटूर लाइन की हेल्प से पेपर पे शो करनी है तो किस मेथड को यूज करेगा। तो इसी तरह ब्रॉडली द मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू क्लासेस। एक है आपका डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड के बारे में देखते हैं क्या है। इन दिस मेथड द कंटूरिंग द रिड्यूस लेवल, देखो रिड्यूस लेवल जहां पर भी आ रहा है याद रखना आर एल, जो हमने लेवलिंग में आप टेबल बना के जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी आर एल निकाल रहे थे। ग्राउंड पे किसी भी पॉइंट का आर एल का मतलब है समुद्र तल से उस पॉइंट की हाइट। ठीक है, अगर इसको समुद्र तल से हाइट ले लो या फिर कोई बेंचमार्क है उसके रेफरेंस में कितनी उस पॉइंट की हाइट है, तो या तो समुद्र तल से या किसी बेंचमार्क से टेम्परेरी या परमानेंट, अगर हम ग्राउंड पे हर पॉइंट का आरएल जानते होंगे तो उसकी प्रोफाइल हमें पता होगी ग्राउंड किस टाइप का दिखता है। तो हम डायरेक्ट मेथड से कंटूरिंग में जिसमें आरएल की बात हो रही है, वेरियस सिलेक्टेड पॉइंट ऑन कंटूर लाइंस आर ऑब्टेन एंड देयर पोजीशन आर लोकेटेड कंटूर लाइन ड्रॉन टू जॉइनिंग द पॉइंट, वेरी एक्यूरेट मेथड बट इज स्लो एंड टेडियस। देखो डेफिनेशन तो आप पढ़ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है स्लो एंड टेडियस। इसका मतलब क्या है, आपके कॉलेज में स्टेडियम है और मैं बोलूं कि स्टेडियम का कंटूर मैप बनाओ, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट मेथड में क्या करोगे, आप एक स्टूडेंट एक रीडिंग लेगा आर एल, और वहां पे आर एल आ रहा है मान लो अभी मैं समुद्र तल से चलो 100 मीटर मान लो कि मीन सी लेवल से 100 मीटर पे है, तो आपका एक पॉइंट पे आर एल आ रहा है 101 मीटर। ठीक है, आपने इंस्ट्रूमेंट रखा, एक स्टूडेंट स्टाफ लेके खड़ा हो गया, वहां पे रीडिंग कितनी दिखा रहा है, वहां पे रीडिंग तो दिखा रहा होगा 1 मीटर, लेकिन अगर मीन सी लेवल से ऐड करेंगे तो मीन सी लेवल हमने एज्यूम के लिए 100 मीटर, तो टोटल रीडिंग क्या होगी 101 मीटर। ठीक है, अब कंटूर लाइन की डेफिनेशन कहती है कि पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे सेम एलिवेशन, यानी कि अब आपको दूसरा पॉइंट चाहिए जिसका आर एल 101 ही हो, फिर आप उसको कनेक्ट करोगे, फिर तीसरा पॉइंट भी चाहिए, तो एक लाइन कंप्लीट करने के लिए कंटूर की आपको 101 मीटर वाले सारे आर एल फाइंड करने होंगे। तो स्टूडेंट क्या करेगा, अब स्टाफ को है ना थोड़ा इधर उधर ले आके रखेगा, आप देखोगे फिर इधर उधर देखोगे, तो टाइम लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा, इसलिए कह रहा है कि स्लो है और टेडियस मेथड है, कि आपको पहले आपने डिसाइड कर लिया 101 मीटर के सारे पॉइंट हमें मेजर कर लेने हैं। अब वो स्टाफ को लेके कभी इधर कभी उधर अंदाजे से खड़ा हो रहा है और 101 जहाँ मिल रहा है आपका उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते जा रहे हो और आपकी कंट्रोल लाइन ड्रॉ होती जा रही है। तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। लेवल और स्टाफ चाहिए होता है जो बताया लेवलिंग में, जो आर एल निकालते हो जिस इंस्ट्रूमेंट से वही आपको इसमें चाहिए होता है। थ्योरी लिखी हुई है कैसे कैसे आर एल निकालते हैं, वही सब है। आर एल निकालने के दो मेथड होते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड। ये वही डायग्राम है आपका दिखाया गया है। बाय हैंड एक लेवल होता है, अगर रफली करना है तो उस पर हाथ पे रख के इसको इस लेवल से भी आप आर एल निकाल के फटाफट कर सकते हो। देखो आपने यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, इसने हाथ पे ही आर एल रख के और इस स्टाफ को देख रहा है, तो रफली है, बहुत रफली है। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हो।
तो जो डायरेक्ट मेथड है छोटे एरिया पे काम करता है, बहुत बड़ा एरिया है तो आप कितने पॉइंट लेते फिरोगे, मतलब महीनों साल लग जाएंगे आपको कंटूर मैप बनाने में, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल और फास्ट मेथड है। इसमें क्या होता है आपका इनडायरेक्ट में, आपका स्टेडियम का ही एग्जाम्पल लेते हैं, आपने स्टेडियम पे है ना बहुत सारे पॉइंट ले लिए आर एल, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत सारे पॉइंट आपने ग्राउंड पे आर एल निकाल लिया, कुछ भी आर एल आ रहा है उनका। फिर आपने देखा कि कौन कौन से सेम आ रहे हैं, जैसे ये ए आपका 101 मीटर है और डी आपका 101 मीटर है और ई आपका 101 मीटर है, इस तरह से कंट्रोल लाइन बन गई। फिर आपका बी सी और जी, सॉरी जी ऐसे जाएगा डायरेक्ट, और एच ये कंट्रोल लाइन है। तो आपने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट ग्राउंड पे ले लिए, फिर उनमें जो सेम सेम आर एल वाले हैं उनको कनेक्ट करते गए और आपकी कंट्रोल लाइन ड्रॉ होती गई। तो ए इनडायरेक्ट मेथड इसीलिए फास्ट है, इसमें ये नहीं देखना होता स्टाफ को बार बार उठा के कि कितनी रीडिंग हमें लेनी है। अब इनडायरेक्ट में भी कुछ मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट में तो कोई मेथड नहीं है, डायरेक्ट में तो क्या है आपको डिसाइड कर लेना है आर एल और आपका स्टाफ ले लेके आपको देखना है। इनडायरेक्ट मेथड में आपने बहुत सारे पॉइंट आपने आर एल ले लिए, फिर सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, लेकिन उस बहुत सारे पॉइंट लिए और किस तरीके से लिए उसके ऊपर ये मेथड डिपेंड करता है। तो देखो फर्स्ट है आपका ग्रिड मेथड, क्रॉस सेक्शनल मेथड, रेडियल मेथड, ठीक है। ग्रिड मेथड का मतलब है आपने जो ग्राउंड स्टेडियम की बात लेके चलते हैं, स्टेडियम को कुछ ग्रिड पैटर्न में डिवाइड कर लिया, 5x5 मीटर या 2x2 मीटर के स्क्वायर्स में इस तरह से, ठीक है। वैसे करते कैसे, चौक पाउडर आता है, चौक पाउडर आता है बोरा भर के, फिर है ना आप टेप की और स्टाफ की हेल्प से आप है ना ऐसे लाइनें खींच देते हो तो पूरे उस पर एक ग्रिड बन जाएगी वाइट कलर की, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, हर कॉर्नर पर रीडिंग ले ली, ए बी सी आर एल निकाल लिया हर रीडिंग पे, डी इस तरह से, और फिर आपने क्या किया जो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट है उनको कनेक्ट करते गए और आपको क्या मिलती जाएगी, आपको आपके कंट्रोल लाइन मिलती जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अगर आपका वैल्यू इधर की ओर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, इधर आपका ऊंचाई है इधर नीचाई है, पानी इधर खट्टा होगा। तो इस तरीके से आप है ना ग्रिड पैटर्न में, ग्रिड मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड और ग्रिड, इनडायरेक्ट के अंदर ग्रिड मेथड में आप इस तरीके से आप करते हो। फिर आता है क्रॉस सेक्शन मेथड। क्रॉस सेक्शन जब काम आता है, जब हम रोड वोड के लिए कंटूरिंग बना रहे होते हैं किसी, तो उसमें क्या करते हैं हम एक लाइन सीधी जा रही है रास्ता और उसके ऑफसेट में कुछ पॉइंट्स लेते जाते हैं इस तरह से, यानी ए पॉइंट बी पॉइंट कुछ डिस्टेंस पे, सी डी और ये बीच वाले पॉइंट भी ओ ओ वन, ये सब हम आर एल लेते जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम जो भी सेम एलिवेशन वाले पॉइंट होंगे उनको कनेक्ट करते जाएंगे और इस तरीके से हमारी कंट्रोल लाइन मिलती जाएंगी, ठीक है। कंट्रोल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कब करती हैं उसका एक स्पेशल केस है, जब ओवरहैंग क्लिफ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड आपका रेडियल मेथड। रेडियल मेथड में क्या होता है, ये आपका है क्या कहते हैं स्टेडियम, बीच में आपने इंस्ट्रूमेंट रखा और आप इस तरह से कुछ डिस्टेंस पे रेडियल फॉर्म में रीडिंग लेते गए, ठीक है, और आपने उसके बाद क्या किया सेम एलिवेशन पॉइंट को कनेक्ट कर दिया और आपको कंट्रोल लाइंस मिल गई, ये होता है रेडियल मेथड। रेडियल मेथड में आपका लिखा हुआ है टैकोमेट्रिक, एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, क्या कहते हैं लेवल जैसा ही, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। देखो वही ग्रिड मेथड में जो मैंने बताया अभी के कुछ स्क्वायर टाइप के हम बॉक्स में इसको पूरे ग्राउंड को क्लास वो कर लेते हैं, इसे यहाँ पे किया हुआ है, देखो इतनी सारी रीडिंग ली हुई है फिर सेम एलिवेशन पॉइंट को कनेक्ट किया हुआ है, ये रहा यहाँ पे पैटर्न। क्रॉस सेक्शन मेथड, रेडियल मेथड, अब इन दोनों में कंपेयर करें अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में ये आ सकता है आपका, ठीक है, दो नंबर में। मोस्ट एक्यूरेट बट स्लो, ये एक्यूरेट बहुत है लेकिन स्लो है। अब ये एक्यूरेट क्यों है, डायरेक्ट मेथड एक्यूरेट क्यों है इनडायरेक्ट से बताता हूँ मैं आपको। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, आपने बहुत सारे पॉइंट तो ग्राउंड पे आर एल ले लिया पर अगर हर पॉइंट अलग है एक दूसरे से तो आप कैसे कंटूरिंग करोगे। कंटूरिंग की जो डेफिनेशन है वो है कि आप सेम एलिवेशन पॉइंट को कनेक्ट करते हो, लेकिन आपने 100 पॉइंट पे आर एल निकाला ग्राउंड में और सबका सबके रीडिंग अलग है,
तो वहां पे आप इंटरपोलेशन का मेथड यूज करोगे और वहां से फिर एक आरएल की सेम रीडिंग निकाल के उनको कनेक्ट करोगे। तो जो इंटरपोलेशन निकाल रहे हैं तो वो एक्यूरेट तो नहीं होगी इतनी 100%, लेकिन जो हमारा डायरेक्ट मेथड उसमें तो डायरेक्ट वो रीडिंग ले रहे हैं स्टाफ की हेल्प से, तो इसलिए मोस्ट एक्यूरेट हो गया बट स्लो, नॉट सो एक्यूरेट बट रैपिड एंड लेस टेडियस। एक्सपेंसिव है, चीपर है, एक्सपेंसिव इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नॉट सुटेबल फॉर हिली एरिया, सुटेबल फॉर हिली एरिया। डूरिंग द वर्क कैलकुलेशन कैन बी डन, कैलकुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड इन द फील्ड। बाद में आप कैलकुलेशन घर पर जाके कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैन नॉट बी चेक आफ्टर कंटूरिंग, कैलकुलेशन कैन बी चेक व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये रेडियन मेथड है जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। इंटरपोलेशन मेथड और बता देता हूँ, उसके बाद हम डाउट पर पूछेंगे, ठीक है। इंटरपोलेशन मेथड क्या है कि आपका ए पॉइंट है, इस पे आ रहा है आपका 1.7 मीटर, या 1.7 नहीं 1.5 मीटर आ रहा है, और बी पॉइंट पे आर एल आ रहा है, मैं समुद्र तल की ऊंचाई नहीं ऐड कर रहा हूँ उसमें, 3 मीटर, ठीक है। ये आ रहा ये लाइन, लेकिन आपको एक कंटूर लाइन आ रही है, वहां से इस कंटूर लाइन का आर एल है कितना है, 1.7 मीटर है इस कंटूर लाइन का आर एल। तो आपको 1.7 मीटर का ही आर एल चाहिए जिससे आपको इस पॉइंट को कनेक्ट कर सको। अब क्योंकि यहाँ पे 1.7 आर एल है और यहाँ पे 3 मीटर है, यानी 1.5 मीटर डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो 1.7 इन्हीं के बीच में कहीं आ रहा होगा। तो जो फर्स्ट मेथड है आपका एस्टिमेशन, उसमें क्या करोगे आप, रफली आइडिया लगाओगे। रफली कैसे भाई, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1.5, तो यहाँ पे कितना होगा लगभग, यहाँ पे होगा लगभग 2.2 मीटर, और यहाँ पे लगभग कितना होगा 1.25 होगा यहाँ पे सेंटर में, और इसका भी हाफ कर देंगे तो कुछ आ जाएगा 1.5 से लगभग, और यहाँ पे मतलब अंदाजे से हमने देखो मार्किंग करके हमने अंदाजा लगा लिया कि 1.7 यहाँ आ रहा है, तो ये 1.7 से कनेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे 1.7 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको कनेक्ट कर लिया। तो एक अंदाजे से कि भाई 1 मीटर से 2 मीटर तक ये आपकी लाइन है, तो बीच में आधा आ रहा होगा, तो 1.7 लगभग इधर आ रहा होगा। तो आपने एक अंदाजे से आपने एक पॉइंट ले लिया दो आरएल के बीच में, उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड। उसके बाद आपका अर्थमेटिक मेथड, अर्थमेटिक कैलकुलेशन से आपने निकाला, अभी दोबारा एग्जाम्पल बताता हूँ कि 1.7 कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा था 1.5 मीटर, और यहाँ पे कितना आ रहा था बी पॉइंट पे 3 मीटर, और आपको आर एल कितना चाहिए, जो कंट्रोल लाइन आपके पास आ रही है 1.7 मीटर। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन में क्या करोगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 3 - 1.5 इजकल टू 1.5 मीटर, ठीक है। आप क्या करोगे, 1 / 1.5 मल्टीप्लाई बाय, आपको कितना और चाहिए था, इस लॉस्ट पॉइंट कितना है 1.5, और आपको कितना चाहिए 0.2, तो यहाँ पे 0.2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो ए से दूरी निकल के आएगी, ठीक है। ए से दूरी निकल के आएगी कि कहाँ पर हमारा 1.7 पॉइंट होगा, और इसको इससे कनेक्ट कर दोगे। ये है अर्थमेटिक मीन। अब ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। ग्राफिकली क्या होता है, आप ट्रेस पेपर लेते हो और उस पर कुछ ऐसे लाइनें खींच देते हो कुछ इंटरवल पे, ठीक है। ऐसे इस ट्रेस पेपर को आपने दो रीडिंग है, जैसे ए है ये रही, यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे ए, और यहाँ पे है बी, और इनके जब ट्रेस पेपर को इनके ऊपर रखोगे तो इन दोनों लाइन को जब कनेक्ट कर दोगे तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये इंटरवल आपको पता है, तो उसकी हेल्प से आप कुछ इंटरवल निकाल सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी रीडिंग आएगी। तो एक ग्राफिकल मेथड ये होता है इंटरपोलेशन का। तो ये होता है आपका कंटूरिंग में किस तरह से आप, यही सब चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो कंटूरिंग में किसी का कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। सर हाँ हाँ बताओ सर, अभी जो आपने इंटरपोलेशन मेथड बताया, हाँ उसको एक बार मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप, हमने फर्स्ट ए पॉइंट की एलिवेशन मानी थी 1.5 मीटर,
और बी पॉइंट की एलिवेशन मान थी 3 मीटर और एक किसी रैंडम पॉइंट की मानी थी 1.7 मीटर। तो और हमने कहा था कि 1.7 मीटर ए बी लाइन पे कहीं लाई करेगा बीच। तो सर हमें ये कैसे पता कि ए टू बी जो है वो यूनिफॉर्म राइज कर रहा है, अगर एकदम से कहीं जाकर एकदम से बी पॉइंट पे राइज कर गया या फिर कहीं डिप्रेस मतलब ए से पहले बहुत डिप्रेशन में गया फिर ऊपर से राइज करा, ये अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हुआ तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे 1.7। तुम्हारा जो सवाल है वो ये है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ठीक है सर, अभी मैं ग्राउंड का एलिवेशन बना रहा हूँ, ठीक है, ऊपर टॉप व्यू नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि अगर ऐसा है कि यहाँ पे है 1.5 मीटर ए पे और यहाँ पे है 3 मीटर, यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल ठीक है, जो मैंने कहा वो ठीक है बिल्कुल, ठीक है। बट आप कह रहे हो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा हो, है ना? यस सर, 1.5 मीटर है 3 मीटर है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो आपका कंटूरिंग का इंटरवल ले रहे हो, ठीक है, ये इनडायरेक्ट की मेथड की बात हो रही है। इनडायरेक्ट में मेथड में हमें क्या करना है कि हमें ग्रिड में ग्रिड पैटर्न में पूरे ग्राउंड को डिवाइड कर देना है चौक पाउडर से। अब ग्रिड पैटर्न में हमें क्या लेना है कि एक जो ग्रिड पैटर्न का एक ब्लॉक होगा वो कितने बाय कितने मीटर का स्क्वायर होगा, 1/1 का होगा, 2, ये 1/1 का होगा कि 2/2 का होगा कि 5/5 का होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। ये आपको आपको ऐसे ऑब्जर्वर देखना होगा कि ग्राउंड हमारा देखने में कैसा है, बहुत ज्यादा इरेगुलर है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा इरेगुलर आपको नजर आ रहा है तो आप छोटे ब्लॉक लोगे, ग्रिड 1/1 मीटर का या उससे भी कम का लोगे तो बहुत बड़ी ग्रिड बन जाएगी, बहुत ज्यादा पॉइंट ले लोगे तो इसी वजह से एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। अगर आपको दिख रहा है कि ग्राउंड हमारा जैसे कॉलेज का स्टेडियम है थोड़ा फ्लैट सा है तो 5/5 मीटर भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पे डिपेंड करता है। अब आपने अब फॉर एग्जाम्पल कि आपका ग्राउंड आपको लग रहा है फ्लैट है और आपने फ्लैट ग्राउंड मानकर 5/5 मीटर के ब्लॉक लेके पूरी ग्रिड कर दी, लेकिन किसी एक ग्रिड में ऐसा भी आ गया, ठीक है, पूरा ग्राउंड इरेगुलर ना होकर किसी एक ग्रिड के एक ब्लॉक में एक कंडीशन आ गई है, ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, आपको यहां पर भी एक आरएल निकालना होगा फिर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। सर्वेइंग में थोड़ा बहुत ना आपको एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत आपको ना एज्यूम भी करनी पड़ती है चीजें, ठीक है। सोचो अगर मैं ग्राउंड पे हर एक मीटर पे आरएल निकालूं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा रीडिंग्स आएंगी, बट रिजल्ट बहुत एक्यूरेट होगा, पर इतना भी एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं हर 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट लूं तो हजारों लाखों आरएल निकालने होंगे हमें एक ग्राउंड के, एक स्टेडियम जैसे ग्राउंड के लिए, लेकिन रिजल्ट बहुत एक्यूरेट आएगा। अब डिपेंड करता है कि वह बनाना क्या है, कंटूर निकाल रहे हो आप तो बनाना क्या, रोड बनानी है, रेलवे ट्रैक बनाना है या डैम बनाना है या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट या साइंटिस्ट का कुछ ऐसा रिसर्च की चीज़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, ठीक है। तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, ग्राउंड किस टाइप का, उन सब पे ग्रेड उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आपका कहीं पर ऐसी कंडीशन आ भी जाती है कि केवल एक ही दो पॉइंट के बीच में डिप्रेशन आ गया और सारा ग्राउंड बिल्कुल ठीक सा चल रहा है हमारा, तो वहाँ पे एक रीडिंग और आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। और किसी का डाउट? चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं कंटूरिंग में कुछ ऐसा हो जो दोबारा समझाना हो। आप देखो इस 3D डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि एक हिल एरिया है, ठीक है। अब हिल एरिया में आपने जो 10 लिखा हुआ है, 10 यानी कि 10 उसकी कोई मान लो रीडिंग है, तो वो जो लाइन जा रही है सर्कुलर इस तरीके से, ये जो लाइन जा रही है इस लाइन पे कहीं भी स्टाफ आप रखोगे तो आपको रीडिंग 10 ही मिलेगी। ये कनेक्ट कर दी गई और ये लाइन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, ये दूसरे हिल से भी कनेक्ट हो रही है। अब ये 10 अंदर की ओर जा रहा है, 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, 40 हो रहा है, तो मेरे को तो ये तो मैंने देखा नहीं है, मेरे पास तो मैप है घर पे, तो इस मैप को देख के पता चला लूंगा कि यहाँ पे एक हिल है, एक बड़ा हिल है, उसके पास में एक छोटा हिल है, ठीक है। कंट्रोल लाइन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सेम एलिवेशन पॉइंट को अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो वही लाइन कंट्रोल लाइन आपकी कहलाएगी।
अच्छा इस डायग्राम में आप देखोगे कि यहाँ पे ज्यादा स्टीप स्लोप है, यहाँ पे थोड़ा कम स्लोप है उसके कंपेयर में, तो यहाँ पर कंट्रोल लाइन के बीच में गैप ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी निकल आती है। आपको ये चीजें ऐसे याद कर लेनी है कि जहां पर ज्यादा स्टीप है वहां पे जो है स्पेसिंग कम होती जाएगी कंट्रोल लाइन की, और जहां पे अगर ये और ऐसे होता हिल तो यहाँ पे और ज्यादा स्पेसिंग होती, और ये फ्लैट होता तो बहुत ज्यादा स्पेसिंग होती, और जितना स्टीप होगा, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि जो माउंटेन है ये ऐसा होता माउंटेन, एक लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल होती और दूसरी लाइन पे स्लोप होता, तो क्या होता यहाँ पर जो कंटूर लाइन होती है ना सारी आप ओवरलैप कर जाती यहाँ पे, तो इसका कंटूर कैसा बनता मैं रफली बना रहा हूँ। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ओवरलैप हो रहा है सबका, आर एल पॉइंट सेम ही सेम आ रहा है, ठीक है। कंटूर इंटरवल पता चल गया आपको क्या होता है, कंटूर इंटरवल होता है, एक होता है आपका कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। कंटूर मैप किस लिए यूज करते हैं, टोपोग्राफी पता करने के लिए, टोपोग्राफी पता चल जाएगी तो आप वहां पे रोड बना सकते हो, रेलवे ट्रैक, डैम, ये सब आप इस तरह के कैनल ये सब आप वहां पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक रियल एरिया है यहाँ पे, और इसका कंटूर मैप दिखाया हुआ है यहाँ। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक थी आपकी, उसके बाद मेथड थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, कंटूर वाले चैप्टर में आपका केवल थ्योरी आती है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि इंटरपोलेशन कैसे निकालते हैं, तो आपको इस तरीके से बताना होगा, आपसे पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड में ग्रिड पैटर्न क्या होता है, रेडियल पैटर्न क्या होता है, ग्राफिकल पैटर्न क्या होता है, ठीक है, और इंटरपोलेशन कैसे निकालता है, थ्योरी है सारी इसमें, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी लास्ट से लास्ट ईयर कंटूरिंग के ऊपर, देखता हूँ मिल जाए तो। इसको देख के आप समझ सकते हो थोड़ा और क्लियर। जैसे कि ये कंटूर मैप है, ठीक है, इसका मतलब क्या शो कर रहा है ये देखो, इसके ऊपर ये 3D ऑब्जेक्ट रखे गए, ये कंटूर मैप है, ये शो कर रहा है कि इस तरीके का आपका हिल एरिया है। ये देखो ये जो आउटर लाइन है इसका मतलब क्या है, इस पे 3000 लिखा हुआ है, यानी कि 3000 सम फीट में जो भी यूनिट है, फीट है इसकी यूनिट 3000 फीट समुद्र तल से है, तो ये इसका मतलब ये है, ठीक है। जो आपका डार्क वाला है ये स्ट्रिप जो है ये समुद्र तल से 3000 फीट ऊपर है, इसी तरह से हम उसी तरह से हम रखते जाएंगे इसके ऊपर, और हमारे को एक 3D इस तरीके से एक हिली एरिया मिल जाएगा। ये ठीक है, तो ये था आपका कंटूरिंग। कंटूरिंग के बाद है आपका थियोडोलाइट, हो चुका है,
देखो यूनिट वर्स्ट में आपका ये सारी चीजें हो चुकी है। अब जो लास्ट आपका रह गया है वो है आपका ट्रायंगुलेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, लेविंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है इसमें से, फिर भी हम करा देंगे, ठीक है। और सारी चीजें आपकी हो चुकी है और उसके बाद आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी, ठीक है। देखते हैं इसमें से कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, सर्वे स्टेशन, सर्वे लाइन। सर्वे लाइन क्या होती है? वही लाइन जिसपे आप बेरिंग निकालते थे। इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन, रेंजिंग एंड इट्स मेथड, मेरिडियन, बेरिंग, मेथड ऑफ लेवलिंग, बुकिंग एंड रिड्यूसिंग लेवल। ये जो लिखा हुआ है बुकिंग एंड आरएल लेवल, वो जो टेबल बना के आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल से जो आपने निकाला है उसी को बोलते हैं बुकिंग एंड रिड्यूसिंग लेवल। रेसिप्रोकल लेवलिंग, जब आप दो पॉइंट के बीच में लेवलिंग कर रहे हो लेकिन वो पॉइंट फार है और उनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रैक्ट है लाइक ए रिवर, वो बता चुका हूँ। प्रोफाइल रिवलिंग, जब आप किसी एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के अलोंग आप लेवलिंग करते हुए जाते हो उसको बोलते हैं प्रोफाइल लेवलिंग। एरर इन लेवलिंग बता चुका हूँ, ह्यूमन एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर और आपका अलग टाइप के एरर हैं। इंस्ट्रूमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, ये भी हो चुका है। कंटूरिंग में कैरेक्टरिस्टिक, मेथड यूज, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, ये आता नहीं है फिर भी ये नया ऐड हुआ, ये मैं करा दूंगा, ठीक है। थियोडोलाइट सर्वे में इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंगल के दो मेथड थे आपके, रिपीटिशन मेथड और एक आपका था इटरेशन मेथड, वो हो चुका है। मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंट्रोल, आप कैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं, उसमें कैसे कैसे लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं थियोडोलाइट में, ये भी हो चुका है। तो आपका दो पॉइंट रह गए हैं, एक तो कंप्यूटेशन ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया इन कंटूरिंग और आपका दूसरा रह गया ट्रायंगुलेशन, इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग भी है, ठीक है। लगभग इस हफ्ते यूनिट खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीक से आपकी यूनिट टू स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद छोटी छोटी यूनिट है जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएंगी, उसके बाद करेंगे।